बैकलैश बहुत ही मजेदार इवेंट हुआ है। रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन सभी ने धमाल मचा दिया है। पहला मैच हुआ सेथ रोलेंस और कोरी रोड्स के बीच। इस मैच में एकदम मजा ही आ गया, क्योंकि मैच एक तो बहुत देर तक हुआ और मैच भी बहुत ही शानदार हुआ। सेथ रोलेंस इस मैच को जीतने की बहुत कोशिश कर रहे थे और उन्होंने एक बार कोरी रोड्स को पेडिग्री भी लगाई, पर फिर भी वो नहीं हारे। पर कोरी रोड्स भी पीछे रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सेथ रोलेंस को जबरदस्त सुपर किक भी लगाई और एक आरकेओ भी लगाई, पर मैच के अंत में कोई बड़ी मूव नहीं लगी क्योंकि कोरी रोड्स रोल अप करके सेथ रोलेंस से जीत गए। अगला मैच हुआ बॉबी लैशली और ओमास के बीच। बॉबी लैशली और ओमास के बीच बहुत ही तगड़ा मैच हुआ। बॉबी लैशली ने यह साबित कर दिया कि वो ओमास से कम नहीं है। मैच के अंत में सभी चौंक गए जब बॉबी लैशली ने ओमास को उठाकर पटक दिया, पर एमवीपी की वजह से बॉबी लैशली मैच नहीं जीत पाए क्योंकि उन्होंने बाहर से इंटरफेयर किया और ओमास ने मौके का फायदा उठाकर बॉबी लैशली को उठाकर एक स्लैम लगा दिया और मैच को जीत लिया। फिर एक बहुत ही बड़ा मैच हुआ एजे स्टाइल वर्सेस एज, और इस मैच में एजे स्टाइल ने धूम मचा दी। एजे स्टाइल ने एज को बहुत ही जबरदस्त तरीके से धोया। एज रोप के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर एजे स्टाइल ने उन्हें वहां पर भी नहीं छोड़ा, पर एजे स्टाइल मैच जीत नहीं पाए। पर फिर भी एजे स्टाइल मैच में हावी हो रहे थे और एजे स्टाइल ने एज को लॉक लगा दिया, पर एज उससे नहीं हारे। और जैसे ही एजे स्टाइल रोप पे चढ़ने लगे तो पीछे से किसी ने मास्क पहनकर एजे स्टाइल को रोप से धक्का दे दिया, जिसका फायदा उठाकर एज ने एजे स्टाइल को लॉक लगा दिया और एज मैच जीत गए। और जिसने एजे स्टाइल को रोप से धक्का दिया, जिसकी वजह से एज मैच जीत गए, वो थी रिया रिपली। अगला मैच हुआ शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी के बीच। ये मैच था एक आई क्विट मैच और इस मैच के अंत में शार्लेट फ्लेयर रोंडा राउजी को फिगर फोर लॉक लगा देती है, पर रोंडा राउजी हार मानने से मतलब आई क्विट कहने से मना कर देती है और शार्लेट फ्लेयर को चेयर उठाकर मार देती है, जिसकी वजह से वो लोक से बाहर आ जाती है। और अंत में रोंडा राउजी शार्लेट फ्लेयर का हाथ चेयर में फंसाकर आमबार लगा देती है, जिसकी वजह से शार्लेट फ्लेयर हार मान लेती है और आई क्विट बोल देती है, और इस तरह रोंडा राउजी बन गई नई चैंपियन। बैकलैश का मेन इवेंट मैच हुआ रोमन रेंस और रूसोज वर्सेस आरके ब्रोज और ड्रू मैकइंटायर। जैसे उम्मीद थी, ड्रू मैकइंटायर ने मैच शुरू होते ही रोमन रेंस को बुलाया और रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर की टक्कर देखने को मिली। पर मैच के बीच में जब रैंडी ऑर्टन को टैग मिला तो रैंडी ऑर्टन ने तबाही मचानी शुरू कर दी। रैंडी ऑर्टन ने सभी को आरकेओ मारी, पर मैच उस वक्त बदल गया जब रोमन रेंस ने नीचे ही रैंडी ऑर्टन को सुपरमैन पंच लगाया और ड्रू मैकइंटायर को टेबल पर फेंक दिया। उसके बाद रोमन रेंस ने टैग लिया और रिडल को स्पीयर लगाकर मैच को जीत लिया। कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। WWE और UFC की हर खबर के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले।